हेलो फ्रेंड्स, मैं साजन और आप देख रहे हैं समाचार खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। आज हम आए हैं आधार हॉस्पिटल में। यहाँ पे कुछ दिन पहले हमारे एक मित्र इलाज के लिए आए थे। उन्होंने इस हॉस्पिटल की बहुत तारीफ़ की। हॉस्पिटल की फैसिलिटी और व्यवहारिक रिलेशन बहुत अच्छा है। बात की जाए तो इस तरह पहली बार किसी के मुँह से हॉस्पिटल की तारीफ़ सुनने को मिली है। वरना ज़्यादातर लोग तो यही कहते हैं हॉस्पिटल ने लूट लिया, हॉस्पिटल का स्टाफ बदतमीज़ है, बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते। पर पहली बार जब हमारी टीम ने आधार हॉस्पिटल के बारे में सुना तो हमने उनके डॉक्टर से जाकर बात की और आज हम हॉस्पिटल की फैसिलिटी के बारे में जनता को दिखाएंगे ताकि अच्छे हॉस्पिटल में जा सके और अच्छा इलाज करा सके। तो चलिए देखते हैं वीडियो। मुंबई से समीक्षा की रिपोर्ट। समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666 47 111 0। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? सईद अनवर अली। कहाँ रहते सर आप? भाई गेट नंबर 5 फ्लोर नंबर 8 रूम नंबर 164। क्या तकलीफ थी आपको जो आप एडमिट होना पड़ा? किस के इलाज के लिए आए हैं आप, क्या चीज़ के? मेरा लीवर फट गया, उधर इधर आज ही ऑपरेशन हुआ। अच्छा, ऑपरेशन हुआ ये देखो, ये पैर नीचे का तलवा देखो आप। हॉस्पिटल के बारे में क्या फीडबैक है आपका, किस तरह रिलेशन है, कोई परेशानी हॉस्पिटल से, कैसा कोऑपरेट रहा आपका? कुछ नहीं, देव सर को पहले से जानती हूँ, जैसे वो है वैसे उनके स्टाफ है हॉस्पिटल। मतलब नाम देव है तो देवता जैसे हैं। यस, ओके, थैंक यू। क्या नाम है आपका और किस वजह से आप यहाँ पे हैं? दादा साहब नाम है मेरा जी। मेरे पैर में स्वेलिंग है लेग में, उसके रिलेटिंग। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या बताया गया उसमें? ओके, तो आप कितने दिन से यहाँ पे एडमिट हैं? कल से आप ओसन शिवाजी पील के। कहाँ पे रहते हैं सर आप? मराठ ईस्ट। मराठ ईस्ट में, ओके। क्या प्रॉब्लम हुई थी सर आपको? वो डायबिटिक था तो थोड़ा सा जख्म हो गया था, तो बढ़ गया था। तो कभी से एडमिट है सर आप यहाँ पे? लास्ट 4 डेज हो गए। आपका क्या नाम सर? प्रेशन के रिश्तेदार हैं क्या? मतलब लड़का हो छोटा, सुजीत पील के। अच्छा, तो मतलब किस वजह से यहाँ आना पड़ा? उनको थोड़ा सा पेन हुआ था, लगा था थोड़ा सा उनको पेट के ऊपर, डायबिटिक है और शुगर ज्यादा था, उसकी वजह से बड़ा इन्फेक्शन हो गया बॉडी में, उसके वजह से। तो यहाँ से पहले भी कभी थे? उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट किया चेंज करने के लिए, ड्रेसिंग करने के लिए। कोकिला बेन तो काफी बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ से यहाँ क्यों शिफ्ट हुए? वहाँ का पूरा क्लियर हो गया। वो जब कोकिला बेन में थे मल्टीपल ऑर्गन में हिट हुआ था उनका, जो इन्फेक्शन था, तो वहाँ से क्लियर हो गया। अब इसे भी यहाँ पे ड्रेसिंग करने के लिए आए। ड्रेसिंग के लिए तो आपको हॉस्पिटल से रिकमेंड किया गया था या आपका कुछ रिलेशन मेंटेन था या किसी ने रिकमेंड किया? नहीं, मेरे भाई जो डॉक्टर है उन्होंने रिकमेंडेशन किया, अच्छा करके तो यहाँ पे लेके आए। तो आपको कैसा लगा यहाँ पे फीडबैक? अच्छा, थैंक यू। अनम खान, क्या तकलीफ हुई मैडम आपको जो हॉस्पिटल आना हुआ? मुझे एक्चुअली फिंगर में ट्यूमर हो गया था, उसके लिए सर्जरी अभी करती है। आज मैं ड्रेसिंग के लिए आई थी, सेकंड ड्रेसिंग। फिंगर में ट्यूमर जी, सेकंड लिटिल फिंगर। तो एमआरआई वगैरह करे थे, रिमोट वगैरह करे थे, तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि ऑपरेट करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन हो चुका है अभी, ऑलमोस्ट 10 दिन हो गए, 10-15 दिन हो गए, 10 दिन हो गए। तो अभी आपका कैसा है, मतलब ठीक हो गया है ऐसा लग रहा है आपको या? हाँ ठीक है, बेटर है। मतलब जैसे जो मुझे प्रॉब्लम थी अभी वो तो नहीं हो रही है, बाकी पूरी कम्प्लीटली हील होने के बाद ही, मतलब एक बार स्टिचेस निकल जाएंगे तो फिर मतलब कम्प्लीटली हील हो जाएंगे। ये कराने के लिए आए तो जैसे बहुत सी जगह कंप्लेन होती है कि जो हॉस्पिटल का स्टाफ रहता है उनका बिहेवियर सही नहीं रहता, आप क्या कहना चाहेंगे इस हॉस्पिटल के बारे में? स्टाफ बहुत अच्छे हैं, वेरी हेल्पिंग, बहुत मतलब वार्मली वेलकम करते हैं, बहुत अच्छे स्टाफ हैं, बहुत अच्छे। इवन डॉक्टर्स एंड एवरीबॉडी इज़ वेरी हेल्पफुल, बहुत रेयर होता है, लेकिन इनके केस में हुआ भी था और पेनफुल भी बहुत था, तो इसलिए हम लोगों ने बहुत सारी जगह पे इसका टेस्ट वगैरह कराया। तो कुछ डॉक्टर्स को समझ में आ रहा था कि क्या है, कुछ को नहीं समझ में आ रहा था। तो एक दूसरे हॉस्पिटल में हमने बात की है, लेकिन वहाँ पे ना एक्सपेंसिस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं ट्यूमर को निकालने के लिए,
तो ये हिसाब से हम लोग ने ये जो आधार हॉस्पिटल है इसका होर्डिंग्स वगैरह देखा था हमने मालवनी में, तो वो होर्डिंग्स देख के मैं यहाँ पे आया। तो यहाँ पर डॉक्टर देव है, उनसे हम लोग ने कंसल्ट किया, तो फिर उन्होंने बताया कि ये सब कुछ जो है ये MRI वगैरह हुआ हम लोग का, तो बहुत बड़ा ग्लोमस ट्यूमर है, इसको मतलब सर्जरी करके ट्यूमर को निकालना पड़ेगा और फिर जो पेन वगैरह है वो ठीक हो जाएगा। तो फिर इनकी गाइडेंस में हम लोग ने करवाया और अभी तो अलहमदुल्ला ठीक है, मतलब अभी 10 दिन हो गया सर्जरी होते, तो 2 ड्रेसिंग हो चुकी है, तो अभी 5 दिन के बाद फिर आना है, फिर ये लास्ट जो स्टिचेस है वो निकलेंगे। और बाकी जो मैनेजमेंट वगैरह यहाँ का बहुत अच्छा है, बहुत रीजनेबल है, और लोगों की प्रॉब्लम्स को भी लोग समझ के वो हिसाब से पैसे में भी एडजस्टमेंट कर देते हैं। और बाकी मैनेजमेंट भी अच्छे, डॉक्टर भी अच्छे, और डॉक्टर यहाँ का क्लिनिकनेस वगैरह भी बहुत अच्छे हैं, सब अच्छा है। समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666471100। धन्यवाद।